हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मेफेनामिक एसिड और पैरासिटामोल सस्पेंशन के बारे में। जो मेरे हाथ में है वो मेडिस्पास डीएस सस्पेंशन है। तो जानेंगे इस कंटेंट की जो सिरप आती है उसकी, जो हमारे पास है उसकी प्रोडक्ट डिटेल, उसके कंपोजिशंस, इसके कौन से पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं, किन किन कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही में इसमें जो दवाई आती है इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे, इसका डोज जानेंगे और इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे, और साथ ही में इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो ये पीडियाट्रिक सस्पेंशन है जो कि बच्चों में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे हाथ में है वो है मेडिस्पास डीएस सिरप, और ये एक मेडिटेक कंपनी की दवाई है। मेडिटेक लाइफ साइंस की एक मेडिसिन है, और इसकी 60 ml की बोतल सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ की आती है, 60 ml की सिरप। और इसमें जो कंपोजिशंस रहते हैं वो है मेफेनामिक एसिड 100 मिलीग्राम और पैरासीटामोल 250 मिलीग्राम। और इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में हम बात करें तो इसमें मेफकाइन डीएस, मेडिस्पास डीएस और मेफ्टाजेसिक पी जैसी पॉपुलर ब्रांड्स इसके अलावा आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। तो जिसमें भी मेफेनामिक एसिड और पैरासीटामोल कंटेंट रहता हो ऐसी भी कोई भी दवाई आप ले सकते हो इसके अलावा। अब हम बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो मेनली इसका यूज़ फीवर में यानी कि बुखार में और पेन में होता है, यानी कि दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। जब भी किसी बच्चे को बुखार रहता हो और साथ में दर्द रहता हो, कहीं पर भी शरीर बॉडी एक रहता हो, पूरे बॉडी में पेन होता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, सिर दर्द करता है, तो इन सब कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, तो हेडेक में होता है, माइग्रेन का पेन है तो भी इसमें इसका यूज़ किया जाता है। माइग्रेन में किसी भी सिर के एक साइड के हिस्से में पेन होता है, टूथेक में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर बच्चों में दांतों का दर्द है तो वो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मसल पेन में, मस्कुलर पेन में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि कभी हाथ पैर में दर्द करने लगता है, कमर दर्द होती है बच्चों को, तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ ट्रोमेटिक पेन में और सर्जरी के बाद जो कहीं पर पेन रहता हो, तो इन सब कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। अगर कहीं पर बच्चा गिर गया है, चोट लग गई है, तो उसके बाद भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इस मेडिसिन की। तो इसमें जो मेफेनामिक एसिड आता है वो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है, पेन को भी कम करती है। और ये कैसे काम करती है, तो जो हमारे ब्रेन में से जो सिग्नल्स निकलते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल निकलते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन और सूजन जैसी फीलिंग्स आती है, पेन की जो फीलिंग्स आती है वो उस प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल के निकलने से आती है। तो ये मेडिसिन मेफेनामिक एसिड है वो उसको ब्लॉक कर देती है, और वो पेन, बुखार और जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करती है। और इसमें जो पैरासीटामोल कंटेंट है वो एक एनाल्जेसिक और एक एंटी पायरेटिक ड्रग है, यानी कि वो बुखार को कम करती है, साथ ही में वो दर्द में भी काम करती है। अब इसके डोज के बारे में हम बात कर ले, तो जो मेफेनामिक एसिड है उसका पीडियाट्रिक डोज है 6 to 7 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, और जो पैरासीटामोल है उसका पीडियाट्रिक डोज है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। यानी कि अगर 10 किलोग्राम का एक बच्चा है तो उसको 3 से 3.5 ml का डोज बीडी में या तो फिर टीडीएस में दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हो, और अगर 20 किलो का बच्चा है तो उसका डोज रहेगा 6 to 7 ml दिन में 2 बार या तो फिर 3 टाइम ये दे सकते हो। अगर बच्चे को बुखार है या शरीर में दर्द है तो आप इतना डोज के मुताबिक दे सकते हो। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करें तो इसकी वजह से नोज़िया यानी कि उल्टी जैसा होना, उल्टी होना, पेट में दर्द रहना, या फिर सही से खाने का पाचन ना होना, इनडाइजेशन रह सकता है, या तो फिर दस्त लग सकता है, बार बार डायरिया हो सकता है,
ड्राउजीनेस जैसा रह सकता है, यानी कि पूरा दिन चुस्त रहना, या फिर अब हमारे शरीर में वीकनेस जैसा रहना, चक्कर जैसा आना, या तो फिर अगर कोई मेफेनेमिक एसिड या तो फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग से एलर्जिक है कोई पेशेंट, तो उसको स्किन रैशेस और एलर्जिक रिएक्शन भी इसकी वजह से आ सकते हैं। इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो जनरली एक किडनी, लीवर, हार्ट और पेप्टिक अल्सर, अस्थमा या फिर हाई बीपी वाले जो पेशेंट है, अगर किसी बच्चे को इस तरह की तकलीफ है पहले से, तो उसको अपने पेडियाट्रिशियन को, अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद ही ये दवाई लेनी चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मेडिस्पास डीएस मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल सस्पेंशन की थी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।